CNM भारत लाइव आपको रखे आगे। मुरादाबाद में आज शिवसेना की तरफ से हिंदू देवी देवताओं की चित्र पूजा सामग्री और भी कई चीजों पर चित्र छाप करके हिंदू देवी देवताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है और उनका अपमान करना है। शिवसेना की तरफ से मीडिया से बात करते हुए शिवसेना के प्रमुख ने मीडिया से बताया कि हिंदू देवी देवताओं की फोटो किसी पूजा सामग्री पर नहीं छपनी चाहिए। अगर कोई इस तरीके से छापता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पूजा सामग्री में फोटो भगवान के छपने के बाद उसको फेंक दिया जाता है। इसे हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है और हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचती है। इस धरना प्रदर्शन में शिवसेना की तरफ से जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा, कमल सिंह, मुदित मनीष सरदार, इंद्रजीत, वरुण ठाकुर, उमेश ठाकुर आदि सभी लोग सम्मिलित थे। देवी देवताओं के चित्रों को आम चीज़ों पर पूजा की सामग्री पर प्रकाशित करके उनके नामों को प्रकाशित करके जिस तरह से ये करा जा रहा है, उसके लिए हमने पहले भी कई बार जिसे लिखित भी भेजा है और अंकित के खिलाफ बोला भी है। लेकिन आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने जा रहे हैं। आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहते हैं, तुलसी जल का पाउच आता था उसके ऊपर तुलसी रामचरित मानस जी की चौपाई अंकित होती थी, उसको भी 10 से 15 12 साल पहले शिवसेना ने प्रदर्शन करी और एक वाद भी दायर करा था। वो आज जो तुलसी जलधर के ऊपर जो रामचरित मानस जी की पंक्तियाँ थी वो होना बंद हुई, उन पर वाद हुए। आज शिवसेना कटिबद्ध है कि आज हम जो हिंदू देवी देवताओं के चित्रों को लेकर के उसके बाद उनको कहीं ना कहीं फेंक दिया जाता है, ये होता है उसके लिए और पूरा हिंदू समाज आहत होता। हम माननीय जिलाधिकारी माध्यम जी के माध्यम से आज ज्ञापन दे रहे हैं, उसके बाद पूरे शहर के अंदर पूरे जिले के अंदर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और जगह जगह पर बैठ करके लोगों को जागृत भी करेंगे, मंदिरों के बाहर लेकर के धार्मिक स्थलों के बाहर जाकर के पोस्टर लगाएंगे और उसके बावजूद भी अगर लोग ने छापना बंद नहीं करे तो जिन इकाइयाँ छाप रही हैं उनके पास हमने प्रदर्शन करेंगे और आखिर में भी नहीं हुआ तो शिवसेना सड़कों भी आंदोलन करेगी और बात भी दायर करेगी। जय भवानी।